और चैनल, आज के इस वीडियो में हम एक प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करेंगे। जो प्रिंटर हमारा है HP का डेस्कजेट 2331, ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। इसके ऊपर ये हमारा बिल रखा हुआ है, साइड में अपने प्रिंटर को करते हैं अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले इसमें देखिए क्या क्या इसके फीचर दिए हुए हैं। इसमें फंक्शंस इसका क्या है, प्रिंट स्कैन कॉपी, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हुआ है। कनेक्टिविटी USB सपोर्ट करता है फ़ोन के लिए और आपके PC के लिए। इंक विविड कलर एंड क्रिस्प टेक्स्ट कंपैटिबिलिटी विद हाई एंड कार्ट्रिज बेस्ट फॉर एवरीडे डॉक्यूमेंट। ये जो ऑफिशियल वर्क के लिए डेली डॉक्यूमेंट के निकालना और स्कैन करना काम रहता है उनका, ये है कि कनेक्ट एंड वो दिख रहा है, तो कनेक्ट एंड प्रिंट कॉपी एंड स्कैन डेस्कजेट 2331। तो चलिए आइए हम स्कैन करते हैं इसको और इसके आप ऊपर देख सकते हैं तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये इसके जो कार्ट्रिज का नंबर है वो 805 है, ब्लैक 805 और 805 स्मॉल है ये, जो कि ये प्रिंट करेगा नियर अबाउट 100 पेज और ये इसका 120 पेज, और ये 805 एक्सल जो एक्स्ट्रा लॉन्ग है वो 200 पेज प्रिंट करेगा। तो चलिए आइए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद जो हमें देखने को इसके अंदर मिलता है वो है एक यूज़र मैनुअल, जिसे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के इसमें आप कहाँ से इसका सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करेंगे सारा कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और ये 3-4 लैंग्वेज में है, आप जो भी चाहें पढ़ सकते हैं इसमें। फिर इसका कहाँ से कार्ट्रिज लगेगा वो सारी डिटेल दी गई हुई है। फिर उसके बाद मिलता है हमें ये इसके दो कार्ट्रिज, मेड इन मलेशिया, ये बहुत ही हल्का है, वेट अप्रॉक्स 150 ग्राम का होगा, बहुत हल्का कार्ट्रिज है क्योंकि ये छोटा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज ही प्रिंट करेगा। और ये फिर इसके बाद कार्ट्रिज इंक के बारे में बताया गया है कि कौन सा इंक लगेगा HP का, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद एक हमें आता है पावर अडाप्टर, उसके बाद एक आता है USB कनेक्टर, ये दो चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद एक पैकिंग, फिर इसकी पैकिंग जो है इस तरह की है, इसके ऊपर देखिए लगा हुआ है एक पॉलीथीन, तो इसको हम आराम से निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको बॉक्स को नीचे की तरफ कर लेंगे, तो नीचे करने के बाद जो है हमारा इसको इस तरह से निकलने से दिक्कत हो रहा है। बहुत कुछ सावधानी से आप ये करिएगा तो फिर निकल जाएगा। निकलने के बाद जो है ये देखिए कुछ और इसके यूजर मैनुअल दिए गए हैं जो
आप पढ़ के इसको कहाँ से कार्ट्रिज लगाना है, कहाँ से इसके बटन से क्या यूज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दी गई हैं। ये कई सारे लैंग्वेजेस में है। तो ये रहा हमारा मेन प्रिंटर जो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको इधर से इस कार्डबोर्ड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि तो अगर आप जानते हो तो ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये सब दिया गया है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के लिए आप बहुत आसानी से और रिमूव कर सकते हैं, और बहुत सावधानी से इसको रिमूव करिएगा। तो इसको हम सबसे पहले फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद जो है आप इसको पॉलीथीन की कवरिंग को आप हटा दीजिए। पैकिंग क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी दी गई है। बहुत सावधानी से काम करिएगा, क्योंकि ये इंकजेट प्रिंटर है और बहुत हल्के होते हैं, इसलिए आप तो मैं आपको ये रहा इसका अनबॉक्सिंग। अब इस कैप को आप आगे करके इसको पेपर के लिए रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको नीचे करके यहाँ पे ये पावर एडाप्टर ट्यूब लगेगा, जो कि 220 से 240 वोल्ट रहे, 50 to 60 है। फिर इसके बाद ये हमारा सबसे ऊपर आ जाता है हमारे बटन, जो एक कैंसिल का बटन है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट का है, ये स्कैन का है, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट का है, ये कलर का प्रिंट का है, ये पावर ऑन ऑफ है। ये इस दो लाइटें दी गई हैं जो हमारे ये कलर कार्ट्रिज के लिए है, ब्लैक कार्ट्रिज के लिए है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारा स्कैनर वाला पार्ट है, जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रखेंगे इस तरह से रख के आप इसको बंद करके स्कैन कर सकते हैं। तो ये स्कैनर हो गया। इसके बाद हमारा जो कार्ट्रिज लगाने का पार्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। इसको आप जितने भी यहाँ पे ब्लू टेप दी गई है उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये इसलिए लगाया गया ताकि आप सबको पता चल सके, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और कहाँ कहाँ है। इसको आप जो ब्लू टेप आपको दिख रहा होगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा होगा, तो इसको जब आप निकालेंगे तो आपका बड़ी सावधानी से निकालिएगा। एक कार्ड्रिज जो है, कार्डबोर्ड जो है निकल जाएगा इस तरह का। ये हमारे जहाँ पे कार्ड्रिज लगता है, कार्ड्रिज को के बॉक्स को सेफ्टी से रखती है। यहाँ पे हमारा जो कार्ट्रिज लगेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये जो है, जो ये वाला है वो कलर वाला है, ये वाला है ब्लैक वाला है। कलर वाले के लिए कलर दिया गया, ब्लैक वाले के लिए ब्लैक में दिया गया है। इसमें जो कार्ट्रिज का नंबर है 805 नंबर कार्ट्रिज लगेगा। इसको आप किया गया है, आप इसको बड़ी सावधानी से बंद करिएगा। फिर उसके बाद हम इस तरफ देखते हैं तो ये हमारा पावर केबल दिया गया है। मैं आपको पावर केबल लगा के इसको ऑन करने की कोशिश करके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम
काट रही है। कलर काट रही है। तो सबसे पहले आप ये में इसमें आप दो सब तरह का रिप्लेस कर सकते हैं, 805 और 805 एक्सल। इसमें तीन कलर के इंक होते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है ध्यान रखिएगा कि आप इसको बिल्कुल ना टच करिएगा, क्योंकि अगर इस पर आप टच कर देंगे तो ये आपकी रीडिंग नहीं ले पाएगा। तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद ब्लैक वाले को भी आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अगर आपके पास पेज है तो आप चेक कर लीजिए। बॉक्स को हम खोलेंगे, फिर इसको हम अलाइन करेंगे एक बीच में, जैसे कि मैं दिखाया था कि ये जो आपका लगेगा ब्लैक वाला ये इस साइड में लगेगा, इसको ऐसे ले जाके हल्का करके उसको प्रेस करेंगे तो इसमें से कट की आवाज़ आएगी। इसको ले जाके बस हो गया, हमारा कार्ड लग गया। फिर इसको लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक करने के बाद हम इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो पावर अडाप्टर केबल है वो आप कैसे लगाएंगे। उसके लिए देखिए ये पेपर स्टैंड है, हम जो है यहाँ पे पावर अडाप्टर को लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई करने के बाद जो है पहले बॉक्स को हम यहाँ पे प्लस पावर अडाप्टर को इसके अंदर प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिंटर है वो तैयार हो गया है। लेकिन इसके लिए वो इसको पावर देंगे, पावर देने उसके बाद पावर बटन ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है। लाइट जैसे ही ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले हम इसमें एक पेज डालेंगे। पेज के लिए देखिए तो दिया हुआ है, इसमें हम कुछ महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा वो है अलाइन हो रहा है। फोर साइज का पेज लेंगे हम, पेज को यहाँ पे रख देंगे। पेज रखने के बाद जो है हम एक नॉर्मल सबसे पहले कलर का बटन प्रेस करेंगे, जो हमारा अलाइनमेंट है वो फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसी को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ फोटो कॉपी। तो चलिए मैं ब्लैक
को सोच के निकाल लेता हूँ। स्टार्टिंग में पहले प्रिंट के लिए ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि अलाइन करना रहेगा इसको, तो मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि ये अभी चल रहा है। पहला इसका जो प्रिंट करने का पेपर प्रिंट करता है वो कुछ टाइम लेके ही प्रिंट करता है, उस टाइम बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा नॉर्मल।